नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 सिरप ग्रीको रेड हिमेटिनिक सिरप के बारे में पूरी जानकारी। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ग्रीको रेड सिरप। इसको दोस्तों इंडो ग्रीक कंपनी रेमेडीज बनाती है और इसका जो रेट है वो 155 रुपये है। और बात कर लें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसका कंटेंट जो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट 160 mg, साइनोकोबालामिन 8.5 mcg, फोलिक एसिड 0.। दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन होने के कारण इसमें आपको डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल जाता है और रेट जो है दोस्तों ये समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, ये बोतल इसके अंदर निकलती है, 200 ml का ये पैक होता है। तो दोस्तों, बात कर लें कि इसका यूज किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो इसका ये दोस्तों एक हिमैटिनिक सिरप होती है, तो इसमें जो है इसका इस्तेमाल जो है आप यदि किसी को खून की कमी है, एनीमिया है, चक्कर आता है, भूख नहीं लगती है और हाथ पैरों में सूजन है, झंझनाहट है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ऐसी किसी भी सिचुएशन में, ऐसी किसी भी समस्या के निवारण के लिए, ऐसी किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर से एक बार परामर्श लेने के बाद। दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है वो पेशेंट करें जिनको भूख बढ़िया नहीं लगती है, जिनके आयरन की कमी है, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे खून की कमी है या हीमोग्लोबिन का स्तर डाउन है या कमजोरी है या पीलिया की शिकायत है। तो पीलिया में दोस्तों शरीर में RBC कम हो जाते हैं, तो RBC को बढ़ाने के लिए भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीलिया की समस्या ये बिल्कुल ही सही कर देगी। और दोस्तों, इसके अलावा जो है आप इसका इस्तेमाल जो है चक्कर आने में, हाथ पैरों की सूजन को सही करने के लिए, यदि खून की कमी के कारण आपके शरीर में सूजन आ गई है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करें, आपके शरीर की सूजन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावा किसी काम में मन नहीं लगता है, BP कम रहता है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को ठीक करने के लिए भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया सिरप होती है। गर्भवती महिलाओं में, मैक्सिमम गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या हो जाती है, यानी खून की कमी हो ही जाती है और हाथ पैरों में उनके झंझनाहट होने लगती है। तो गर्भवती महिलाओं को हाथ पैरों की झंझनाहट को ठीक करने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए, आयरन का स्तर शरीर में बढ़ाने के लिए और RBC कम ना हो या कम हो गए हैं तो उनको बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ, अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलने के बाद। इसके अलावा दोस्तों, जिन महिलाओं की डिलीवरी हो गई है उनको भी कमजोरी की समस्या हो जाती है, तो यदि उन्होंने पहले आयरन की कोई सिरप नहीं पी है तो डिलीवरी के बाद भी इस सिरप का इस्तेमाल करीब 1 महीने तक करें, उनकी कमजोरी की समस्या और खून की कमी की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, छोटा या बड़ा, तो ऑपरेशन होने के बाद जो है शरीर में खून की कमी, कमजोरी, ये सारी समस्याएं कामन बात होती हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी कमजोरी को ठीक करने के लिए बिल्कुल इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी कमजोरी की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो है दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल जो छोटे बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं और जो युवा हैं, युवतियां हैं, वो भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और दोस्तों, बात कर लें इसकी डोज की, तो जो लोग 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं और 50 किलो वजन है उनका या 50 किलो से ऊपर है, तो उनको 7.5 ml सिरप सुबह, 7.5 ml सिरप शाम को पीनी चाहिए, दिन में 2 बार। और जो लोग दोस्तों 10 से 15 साल के हैं, मतलब 18 साल के और 10 के बीच के हैं, उनको 5 ml सिरप सुबह, 5 ml सिरप शाम को पीनी चाहिए, डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो मैंने आपको ग्रीको रेड सिरप के बारे में जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही दवाइयों के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए स्वास्थ्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।